अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे। आज से 55 साल पहले एक वीडियो क्लिप फॉरन में एक एनिमल टेलीविजन शो में दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कि बकरियों का एक झुंड एक चट्टान की चोटी से निंजा स्टाइल में कूदते हुए नीचे आ रहा है, उबड़ खुबड़ रास्ते से नीचे आ रहा है और नीचे आके आगे की ओर निकल जाती है। ये देखने में बहुत लगा। क्या आपको पता है ये जानवर कोई और नहीं बल्कि जंगली पहाड़ी बकरियां हैं। तभी से पहाड़ी बकरियों वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हम सांप, बिल्ली या तेंदुए जैसे जानवर को चट्टानों पर चढ़ता देखते हैं तो हमें हैरानी नहीं होती है, क्योंकि इन जानवरों का पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ना हमारे लिए आम बात है। लेकिन जब किसी बकरी या इसी की जैसी कोई प्रजाति को हम पेड़ों या खतरनाक चट्टानों पर, तो हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक चट्टानों पर तो चढ़ते ही हैं, साथ ही चट्टान के एकदम किनारों पर आसानी से बिना डर के बैठी रहती है। लेकिन अब ये सवाल ये आता है कि ये बकरियाँ इतना जोखिम लेके ऐसा क्यों और कैसे करती हैं। तो दोस्तों, कि जैसा हम सब जानते हैं कि हर जानवर अपने भोजन के हिसाब से ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ इसे भोजन आसानी से मिल सके। बहुत से जानवरों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं में से एक है सॉल्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि नमक एक शाकाहारी जानवरों को जैसे घोड़ा, गाय वगैरह को दिया जाता है, क्योंकि इनकी इससे पाचन क्रिया सही रहती है और तंदुरुस्त रहते हैं। जंगली जानवरों को ये प्रकृति से लेने पड़ते हैं। जब ये बकरियाँ इन चट्टानों पर चढ़ती हैं तो इन पत्थरों को चाटती हैं, क्योंकि इन पत्थरों के साथ कई तरह के विटामिन्स होते हैं जो इनके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ये इतने खतरनाक तरीके से बिना डरे कैसे इन पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं। दरअसल इनके पैरों में जो खुर होते हैं बाहर से सख्त और अंदर की तरफ से नरम होते हैं, जो इन चट्टानों में बहुत अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं। साथ ही बकरियों के खुर दो भागों में बटे हुए होते हैं, जिससे कि बकरी का वजन डिवाइड होकर फैल जाता है, जिससे कि इस बकरी को तंग चट्टानों में खड़े रहते या चलते फिरते वक्त मजबूत पकड़ मिलती है। पहाड़ी बकरियाँ अपना संतुलन बनाए रखती हैं, वो लंबी छलांगें लगाती हैं और ऐसे कंगार पर पहुँच जाती हैं जहाँ इनको अपने चारों पैरों को एक साथ रखने के लिए मुश्किल से अपनी जगह मिलती है। दोस्तों, कहीं इन्हें पहाड़ी के किनारे पर कई बार बैठा हुआ देखा जा सकता है। ये इतना अद्भुत और डरावना होता है, शायद ही कोई जानवर कई बार ऐसा करने की कोशिश करेगा। लेकिन बकरी जैसे जानवरों को तो ऊंचाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट गाइस, ये ऐसा करती क्यों है? तो कुछ इथोलॉजिस्ट यानी वो वैज्ञानिक इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इनका मानना है कि ये थोड़ी शर्मीली मिजाज की होती है और इन्हें एक काम ज़्यादा पसंद होता है, और इसीलिए ये ऐसी जगह तलाश करती हैं कि जहाँ कोई दूसरा जानवर आसानी से ना पहुँच सके। ऐसी पथरीली और खड़ी चट्टानों पे और उबड़ खुबड़ पहाड़ों पर इन बकरियों का राज चलता है। ये किसी बिना रुकावट के यहाँ दौड़ सकती हैं और कूद फांद कर सकती हैं, और इसीलिए खतरनाक जानवर शिकारी इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भालू हो या कोई लोमड़ी। दोस्तों, दुनिया में हर कोई जानवर अपने हिसाब से खतरनाक है और हर जीव में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे देखकर हम खौफ में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।